एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे तक आपकी जान नहीं छोड़ने वाले हैं, और ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉमिसेस की, कि ये प्रॉमिसेस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ प्रॉमिसेस के, जो हम एक दूसरे से करते हैं, उससे अगर हम इसको थोड़ा रिलेट करना चाहें, तो उस प्रॉमिस में भी हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट ये हो सकती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल किया, राइट। सेकेंड हमारे पास ये हो सकता है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया हो। थर्ड स्टेट ये हो सकती है कि मेरा प्रॉमिस अभी पेंडिंग स्टेट पे है, क्योंकि अभी मेरे ऊपर वो टाइम नहीं आया है कि मैं प्रूफ कर सकूं कि मैं उस प्रॉमिस को पूरा कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। तो ये तीन स्टेट्स हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रॉमिसेस की तीन स्टेट्स होती हैं। एक हमारे पास होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट, और एक होता है पेंडिंग। रिजॉल्व को हम समटाइम्स फुलफ़िल भी कहते हैं। अब सीन ये है कि यार, ये तो समझ में आ गया कि प्रॉमिसेस की तीन स्टेट्स होती हैं, लेकिन प्रॉमिसेस खुद क्या होते हैं ये कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल पता चलेगा, आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। अब प्रॉमिसेस क्या होते हैं, लेट्स से कि जावास्क्रिप्ट में हम जब कोई भी चीज़ लिखते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगी, रेंडर करूँगी, मेरे पास फ़ौरन से हेलो शो हो गया जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया। तो ये क्या हुआ कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो वो फ़ौरन से काम कर रहा है। अब तक हमने ये पढ़ा है अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में, हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने यही देखा है कि हम जो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं वो ब्राउज़र पे फ़ौरन शो हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो फ़ौरन शो नहीं होती हैं, जो थोड़ा टाइम लेती हैं। अब वो टाइम क्यों लेती हैं, उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि उनमें टाइम लगता है। उन चीज़ों को हमें हैंडल करना है प्रॉमिसेस के थ्रू, कुछ ऐसे आउटपुट्स जो हमें इन फ्यूचर आएंगे, जो हमें अभी एट द मोमेंट नहीं मिल रहे हैं आउटपुट्स, लेकिन वो आगे मिलेंगे। तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, तो उसके लिए हम प्रॉमिसेस और एसिंक अवेट, इन दोनों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉमिसेस की। अच्छा, यहाँ पे जो है वो APIs इन्वॉल्व हो जाती हैं, कि APIs जो होती हैं उनके रिस्पांस जो है वो आने में टाइम ले रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को हम डील कर सकते हैं। बट हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस वक्त ये नहीं पता हो कि APIs क्या होती हैं, इसलिए मैं APIs के थ्रू यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बेसिक से समझें, उसके बाद आप APIs पे मूव करें। तो APIs पे हम इंशाल्लाह एक अच्छी सी एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं क्या रखूँ, टाइमर। लेट्स से ये मेरा एक फंक्शन है। अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज़ सेट टाइम आउट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेट टाइम आउट, और इसके अंदर मैंने एक कॉल बैक लिखा, और अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ console.log, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट टाइम आउट रन, और यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का टाइमर सेट कर दिया। अब हो सकता है कि किसी को नहीं पता हो कि सेट टाइम आउट होता क्या है। तो बेसिकली सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या कहता है, कि मैंने यहाँ पे जितना भी टाइम दिया है वो उस टाइम के बाद इसके अंदर की जो भी चीज़ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मैंने 2 सेकंड्स का यहाँ पे टाइमर दिया है, तो 2 सेकंड्स बाद जो है वो ये कंसोल करेगा। सिंपल सा इसका ये काम है। मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे इस टाइमर को कॉल कर लेती हूँ, यहाँ पे आके मैंने रेंडर किया। अब नाउ वेट, 2 सेकंड्स बाद मेरे पास यहाँ पे STO रन जो है वो शो हो गया। तो ये बेसिक सा काम होता है सेट टाइम आउट का। अब इससे ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास आउटपुट जो है वो फ़ौरन नहीं आ रहा है, कुछ टाइम बाद आ रहा है, आउटपुट आने में कुछ डिले आ रहा है। ये वाली सिचुएशन जो है हमने खुद से क्रिएट की है। वैसे तो हमारे पास नेचुरली ऐसा होता है कि हमारे पास आउटपुट देर से आ रहा होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने कोई चीज़ जान के ऐसे रखी होती है। तो इस सिचुएशन में हमने ये किया है कि मैंने जान के यहाँ पे एक टाइमर लगा दिया है। अब मैं इसको टैकल कैसे करूँगी, और मुझे टैकल करना भी क्यों है। सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि मुझे क्यों करना है, टैकल करने की ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए मैं एक काम ही करती हूँ, अच्छा मैं इसको नीचे ले आती हूँ, और मैं इस हेलो की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी बिफोर सेट टाइम आउट, मतलब सेट टाइम आउट शो होने से पहले ये शो हो जाए बिफोर। तो यू कैन सी कि पहले ये शो हो गया, अब मेरे पास सेट टाइम आउट शो हो गया, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है।
मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगी और मैंने यहाँ पे नीचे लिखा और मैंने अब यहाँ पे लिख दिया आफ्टर। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि पहले हमारे पास ये बिफोर शो हो, फिर जब फंक्शन कॉल होगा तो सेट टाइम आउट रन शो हो जाए, उसके बाद मेरे पास ये आफ्टर शो हो, राइट, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगी, इसको रेंडर करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या मसला हो गया कि पहले बिफोर शो हो गया, फिर आफ्टर शो हो गया, और फिर मेरे पास ये सेट टाइम आउट रन शो हुआ है। ये तो मैं नहीं चाहती थी, मतलब मैंने तो एक फ़्लो अपना खुद डिसाइड किया था कि मुझे ऐसे ऐसे इसको रन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या मसला हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे मसला ये हुआ कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस लैंग्वेज है, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती जाती है, वो कहीं पे भी रुकती नहीं है, कहीं पे भी वो वेट नहीं करती है। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसने आके सबसे पहले इसको कॉन्सोल किया। कॉन्सोल करने के बाद यहाँ पे आके इसने टाइमर फंक्शन को कॉल किया। जब ये टाइमर फंक्शन के अंदर गया तो इसने देखा कि यार यहाँ पे तो अभी लगेगा टाइम, तो इसने वेट नहीं किया, इसने बोला कि जब तक मैं आगे का काम कर लूँ, फिर 2 सेकंड बाद ये खुद हो जाएगा, तो इसने आगे का काम कर लिया। तो आफ्टर वाली चीज़ पहले आ गई, फिर 2 सेकंड बाद एसटीओ रन शो हो गया। लेकिन यार मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मतलब ठीक है जावास्क्रिप्ट ऐसे वर्क करता है, ठीक है मान लिया, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मेरी भी तो अपनी कोई चॉइस है, अब मैं वो काम कैसे करूँ, इस तरह तो मैं जावास्क्रिप्ट पे अपनी मर्ज़ी से काम ही नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इसके फ्लो को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट को वेट करवा सकते हैं कि यार अगर यहाँ पे आए हो, टाइम लग रहा है, तो मतलब आपने वेट करना है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये काम मैं कैसे करूँगी, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी एक प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में कैसे बनाऊँगी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न कि इस फंक्शन से कुछ रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, एक प्रॉमिस रिटर्न होगा, राइट। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉल बैक लिखा और इसके अंदर मैंने अपना सेट टाइम आउट डाल दिया अपने प्रॉमिस के अंदर। सबसे पहले मैंने रिटर्न करवाया इस फंक्शन से, प्रॉमिस बनाने से पहले मैंने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया और मैंने प्रॉमिस यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कॉल बैक लिखा है और इसकी जो इसका जो ब्लॉक है, इसकी जो बॉडी है, उसके अंदर मैंने अपने सेट टाइम आउट को रख दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि 2 चीज़ें होती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। वैसे हम इनके नेम कुछ और भी रख सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन ये काम जो कर रहे हैं हम उसी हिसाब से इनका नेम रखेंगे भाई। और मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने कहा कॉन्सोल को हटाओ और यहाँ से कर दो रिजॉल्व। अब प्रॉमिस रिटर्न होगा, अगर रिजॉल्व हो गया तो ये वाली चीज़ रिटर्न हो जाएगी। अब क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है तो इसको मैं कॉन्सोल भी करवाऊँगी भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ऐसे। अब मेरे हिसाब से तो भाई सारा काम सही हो गया कि पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, आते ही कॉन्सोल भी हो जाएगी और फिर आफ्टर जो है वो रन हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट फ्लो मैंने बना लिया। अब मैं इसको रेंडर करती हूँ तो यार ये क्या सीन हो गया। अच्छा एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हमारा फ्लो तो बिल्कुल सेट हो गया है कि भाई पहले बिफोर आया है, फिर जो भी हमारा जो भी वर्किंग हुई है प्रॉमिस की वो चीज़ आई है, उसके बाद आफ्टर आया, तो मैंने अपना फ्लो तो बिल्कुल सेट कर लिया। लेकिन मसला फिर वही आ गया कि यार ये क्या शो हो रहा है पेंडिंग। अब ये पेंडिंग शो क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद जब इसने टाइमर को कॉल किया तो टाइमर में आया, टाइमर ने रिटर्न कर दिया एक प्रॉमिस, तो प्रॉमिस तो रिटर्न हो गया, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये ले रही थी टाइम, क्योंकि टाइम लग रहा था तो उसने वेट नहीं किया, इसने कहा भाई प्रॉमिस रिटर्न हुआ है उसको कॉन्सोल कर दो और ये आगे बढ़ गया। अब वो प्रॉमिस अपनी पेंडिंग स्टेट में था तो इस वजह से हमारे पास ये एसटीओ रन शो नहीं हो सका। तो अब मैं इसको कैसे टैकल करूँ, इसका सिंपल सा तरीका मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से हटाऊँगी, मैंने यहाँ पे लिखा टाइमर, फंक्शन कॉल हुआ, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डॉट देन। डॉट देन के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल बैक लिखा और मैंने इसकी बॉडी ऐसे ओपन कर ली। डॉट देन का मतलब ये है कि जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाए तो क्या करूँ, कुछ रिटर्न करेगा, वो हम ले लेते हैं इस वेरिएबल में। लेट्स से मैंने ए के अंदर वो चीज़ ले ली और मैंने कहा यहाँ पे कॉन्सोल कर दो ए। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे होता है, मैंने इसको रन किया तो अब मेरे पास मसला ये आ गया कि यार बिफोर आफ्टर पहले चल गया और ये बाद में चला, लेकिन स्टिल एक इशू हमने रिजॉल्व कर लिया और वो इशू ये था कि एसटीओ रन आ गया यार, मतलब अब वो पेंडिंग वेंडिंग शो नहीं हो रहा प्रॉमिस वाला। लेकिन भाई फिर वही मसला हो गया ना कि इस तरीके से फ्लो शो हो रहा है, मुझे ये आफ्टर नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी। बेसिकली डॉट देन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो ये करो,
तो मैंने इसको उठा के भी इसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा पहले ये करेगा उसके बाद ये करेगा, आओ चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर रेंडर किया तो पहले बिफोर शो हुआ, फिर STO रन और फिर आफ्टर STO। सो फाइनली हमने वो अचीव कर लिया जो हम अचीव करना चाहते थे। तो फ्लो भी सही आ गया, आउटपुट भी बिल्कुल सही आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रॉमिसेस को यूज़ करके इस सिचुएशन को हैंडल किया। मैंने अपने हिसाब से जो है वो अब जावास्क्रिप्ट का यू कैन सी कि मैंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि मुझे जो फ़्लो चाहिए था मैंने वो फ्लो यहाँ पे सेट कर दिया। अब सीन ये है कि अच्छा एसिंक अवेट पे मूव करने से पहले मैं यहाँ पे रिजेक्ट के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि रिजेक्ट बेसिकली काम क्या करता है। रिजेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे इशू करवाना हो कि मेरा कोई काम सही नहीं हुआ है, कहीं पे कोई एरर आ गया है, तो मैं रिजेक्ट यूज़ करूँगी। जब मैं रिजेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगी ना तो वो डॉट देन में शो नहीं होगा, वो फिर डॉट कैच में शो होगा ताकि वो एरर को कैच कर सके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉट कैच एरर और मैं यहाँ पे एरर को कंसोल कर लेती हूँ। अब हम इसको देखेंगे कैसे, अभी तो शो होगा नहीं क्योंकि मैंने रिजेक्ट कहीं पे यूज़ नहीं किया है, तो एरर भी मेरे पास शो नहीं होगा। तो अब मैं इस रिजॉल्व की जगह ही, मतलब मैं दूसरी एग्जांपल नहीं ले रही, मैं इस रिजॉल्व की जगह ही रिजेक्ट लिख के बस आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ कि एरर आ गया, राइट। और अब मैंने यहाँ पर आके जैसे इसको रेंडर किया तो बिफोर STO और उसके बाद 2 सेकंड बाद उसने शो कर दिया एरर आ गया। अब ये एरर आ गया बेसिकली ये गया रिजेक्ट इसमें। अगर तो ये यहाँ पे आया होता तो ये आफ्टर STO भी शो करता, लेकिन आफ्टर STO तो यहाँ शो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इस बार ये एग्जीक्यूट हुई है। सो इसको मैं वापस से रिजॉल्व कर देती हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था प्रॉमिसेस का। अब हम बात करते हैं एसिंक अवेट की। क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यार प्रॉमिसेस से जब काम हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो फिर एसिंक अवेट की क्या ज़रूरत पड़ी? तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसकी काउंटिंग को चेंज कर देती हूँ 3, 4, 5 and 6। ठीक है, अब मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए थी, ये मेरे पास शो हो रही हैं। अब सीन ये है कि यार यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि STO रन के बाद, आफ्टर STO के बाद ही शो हो यहाँ पे ना। इसको भी उठा के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे कुछ और चीज़ें होंगी, ये भी मैं चाह रही हूँ तो मैं इसको भी उठा के अंदर डाल दूँगी, फिर मैं यहाँ पे उठा के अंदर डाल दूँगी। तो यार बेसिकली अब मैं क्या अपना सारा का सारा कोड इस डॉट देन के अंदर लिखती रहूँ क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना, या फिर मैं बार बार डॉट देन यूज़ करती रहूँ? तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं एसिंक अवेट का। मैं इस पूरे को कमेंट करूंगी और अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हम एसिंक अवेट की बात करने वाले हैं। अब एसिंक अवेट जब हमें यूज़ करना होता है तो हम उस फंक्शन बेसिकली जहाँ पर मुझे पता है कि वेट करवाने की ज़रूरत है, मैं उस फंक्शन को ही एसिंक बना देती हूँ। ये काम हम कैसे करेंगे? लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन और इसके बाद मैं काम ही करती हूँ कि मैं यहीं से चीज़ें कॉपी करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास बिफोर वाली लाइन थी तो मैंने बिफोर को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अनकमेंट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने मेन को भी कॉल कर लिया। इसको रेंडर करेंगे तो यहाँ पे बिफोर STO शो हो गया। इसके बाद मेरा ये वाला फंक्शन था तो इस फंक्शन को यार मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इसमें मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं काम ही करती हूँ, मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेती हूँ। यहाँ पे आके मैंने एक टाइमर का फंक्शन भी बना लिया क्योंकि हम सेम काम ही करने वाले हैं लेकिन एसिंक अवेट से करने वाले हैं। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास सेम फंक्शन है, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। होगा तो बेसिकली ये कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी, फिर मैं यहाँ पर डॉट देन डॉट कैच लिखूँगी, जो कि मुझे नहीं करना है यार, मुझे ये वाला काम नहीं करना, बहुत लंबी हो रही है, मैंने पहले ही सोच लिया कुछ और तरीका आजमाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू और यहाँ पे मैंने लिख दिया अवेट टाइमर और क्योंकि अवेट यूज़ किया है तो फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, तो मैंने फंक्शन को एसिंक बना दिया। सिंपल सा काम किया है, जहाँ पे मुझे लग रहा था वेट करवाने की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने अवेट का कीवर्ड लिख दिया, फंक्शन को मैंने एसिंक बना दिया, ये ज़रूरी है तो वरना हम इसके बगैर अवेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा आफ्टर वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसको देखते हैं कि होता क्या। मैंने यहाँ पे आके इसको रेंडर किया, मेरे पास बिफोर STO रन हुआ, इसके बाद मेरे पास आफ्टर STO रन हो गया। ओ यहाँ पे हमने इसको कॉन्सोल तो किया नहीं है, मुझे ए को कॉन्सोल भी तो करना है, ए में जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है वो कॉन्सोल भी होगी। मैं इसको फिर से रेंडर करती हूँ तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास STO रन आ गया, उसके बाद आफ्टर STO आ गया।
तो इसमें मुझे बार बार वो नहीं करना पड़ा कि डॉट देन लिखो, डॉट देन के अंदर सारी चीज़ें लिखो। अब मेरा जितना भी कोड होगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए है वो मैं इसके आगे लिख दूँगी, सिंपल सा अपने फंक्शन के अंदर लिख दूँगी और वो चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मुझे कोई मसला ही नहीं होगा। मैंने यहाँ पे इसको रेंडर किया और यहाँ पे मेरे पास एसटीओरन, उसके बाद जो भी काउंटिंग्स थी वो शो हो गई। तो मैंने इस तरीके से सिंपली जो है फंक्शन के अंदर अपना सारा काम कर लिया, मुझे डॉट देन के अंदर नहीं करना पड़ा। और ये मेरे पास गुड प्रैक्टिस भी है कि हम एसिंक अवेट को यूज़ करें और कितना सिंपली जो है वो इसमें हमारे पास काम हो गया। ऑल दो ये भी हमारे पास जो है वो प्रॉमिस वाली चीज़ यहाँ कॉन्स्टेंट है कि प्रॉमिस रिटर्न कर ही रहा है, तो ये किसी के दिमाग में ना आए कि प्रॉमिस की जगह हम एसिंक अवेट यूज़ कर रहे हैं। नहीं, प्रॉमिस की जगह यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, एसिंक अवेट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न हो रहा हो। तो प्रॉमिस तो रिटर्न होगा ही होगा, बस उसको हमने हैंडल किया है एसिंक अवेट के थ्रू, ताकि हमें डॉट देन या डॉट कैच ना यूज़ करना पड़े। तो ये वाली चीज़ जो है ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे टास्क हैं, लेट्स से कि ये कुछ ऐसा कोड है जो मैं चाह रही हूँ यार वो डिपेंड नहीं करे इस पर, टाइमर वाइमर पे डिपेंड नहीं करे, वो बस चलता रहे, तो वो मैं इसके बाहर लिख दूंगी। अब हम इसको जब जाके रेंडर करेंगे तो यू कैन सी कि वो काम अपना हुआ अपने हिसाब से और बाकी ये टाइमर के बाद ये सारी चीज़ें होती गई। तो जो काम मुझे जो इंडिपेंडेंट है, जो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मैं इस फंक्शन के, इस एसिंक फंक्शन के बाहर लिखूंगी। और जो इस टाइमर पे डिपेंड कर रहा है कि यार इसके बाद ही हो जो काम, वो मैं इस एसिंक फंक्शन के अंदर लिखूंगी इस अवेट के बाद। तो ये हमारे पास बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मेरे पास प्रॉमिसेस और एसिंक अवेट जो है वो क्यों और किस लिए यूज़ होते हैं। और ये APIs में भी यूज़ होते हैं, जब हम कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम APIs के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ भी करके देखेंगे, तो इससे ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट था कि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में कुछ पूछ ले तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.